हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज किस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका जो यहाँ पे डिवाइस रहता है सिंपली इन्फिनिक्स का, अपने इन्फिनिक्स के डिवाइस के अंदर वाईफाई को किस तरीके से डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई सा भी इन्फिनिक्स का मोबाइल है, सभी के अंदर यहाँ पे एक ही जैसे सेटिंग रहती है, तो सिंपली मैं बताऊंगा किस तरीके से डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने इन्फिनिक्स का मोबाइल यहाँ पे और यहाँ पे मैं होम स्क्रीन के अंदर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जो है देख सकते हैं, यहाँ पे इसको लॉन्ग करके आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक करना। और या आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके फ़ोन के अंदर भी कुछ इस तरह का सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ज़्यादा पुराना मॉडल है तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे वाईफाई को फाइंड कर लेना है। ऐसे यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन रहता है, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और क्लिक करते साथ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वाईफाई को डिस्कनेक्ट, क्योंकि मेरा वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है, आइकन भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको वाईफाई का। तो सिंपली मैं डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नार्जो 55 GB मैं क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर, डिस्कनेक्ट, फॉरगेट, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो रिस्पेक्ट में क्लिक किया तब भी आपका यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं होगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट करने के लिए फॉरगेट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉरगेट पे क्लिक करता हूँ, मेरा वाईफाई यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरह से वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।